मासूम हो जाओ, तुम्हारी उस्बियत ना रहे, किसी के मुखालिफ ना हो, किसी से जिद ना हो, झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, फिर हज कबूल हो जाता। तो अब ये जो कर रहे हैं, टकरे मार रहे हैं, मारते रहे, अल्लाह हंसता है ऊपर। मुझे एक अपने कारी साहब उन्होंने वाक्य सुनाया, बड़ा खूबसूरत वाक्य सुनने वाला। तो कल के मैं कहीं गया इस जगह पे, जब मैं वहां से आने लगा तो उनके लड़के ने मुझे कहा कि कारी साहब आप इधर आया करें, हमारे पास बैठा करें, आपके आने से बरकत होती है। तो कहते मैंने उससे कहा कि देखो मेरी बात गौर से सुनो, कि अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर चल रहे हो और अल्लाह तुम पर मेहरबानी कर रहा है तो ये तुम्हारा इम्तिहान है, और अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर नहीं चल रहे और ये तुम कमा रहे हो तो ये अल्लाह की पकड़ है। बस इन दो बातों को याद रखना, मेरे आने जाने से कुछ नहीं होगा। वो तो मेरे आने जाने से कुछ नहीं होगा, बस दो बातें याद रखो कि अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के अहकाम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर चल कर कुछ कमा रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये भी कहते हैं इम्तिहान है तुम्हारा। हदीसों मुबारक है, जब तेरी खराबियों के बावजूद तेरी आसाइशों में अल्लाह इजाफा शुरू कर दे तो ये पकड़, तू समझ ले कि तुझ पे अजाब जारी हो, अल्लाह का बोला अल्लाह की पकड़ में आ, तू समझ ले कि तुझ पे अल्लाह का अजाब जारी जारी, क्योंकि जिसको उसने पकड़ना होता है ना उसकी रस्सी दराज करता है, जैसे माशेर पकड़ते हैं पानी में, हाँ, वो कांटे में फंस जाता है ना, तो फिर वो बहुत जोर लगाता है, आपने उसको ढीला करके आगे पीछे दौड़ा के जब वो पकड़ जाता है तो फिर बाहर निकालते हैं। अल्लाह ऐसे पकड़ता है जैसे माँ शेर पकड़ते हो। बिल्कुल जी भाई, बड़ी मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। हमारा शोभा ही दुआ है, हम तो पेशावर दुआ बोलना।